जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय रेलवे अब फिर एक महा लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है, जिसमें आपको कई वंदे भारत की लॉन्चिंग एक साथ देखने को मिलने वाली है और वो तारीख होने वाला है 30 दिसंबर। और किन किन रूटों पर वंदे भारत के साथ साथ अमृत भारत की भी सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है, तो इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन रूटों पर वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है और साथ ही दो अमृत भारत की भी लॉन्चिंग किस रूट पर भारतीय रेलवे करने जा रही है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधा दर्जन वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन अयोध्या दिल्ली वैष्णो देवी से दिल्ली सहित देश के विभिन्न शहरों के लिए चलाई जाएंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री पुश पुल तकनीक वाली अमृत भारत दो ट्रेनों को भी रवाना करने वाले हैं। अमृत भारत पहली बार पटरी पर दौड़ने वाली। प्रधानमंत्री मोदी के संभावित अयोध्या कार्यक्रम को देखते हुए रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष व सीईओ जय वर्मा सात दिवस अयोध्या रेलवे स्टेशन व अन्य रेलवे परियोजना का मुआयना भी किए। रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री अयोध्या राम मंदिर थीम पर बने अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या कार्यक्रम में कुल 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखा कर रवाना कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किन किन वंदे भारत एक्सप्रेस को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। पीएम मोदी जिन जिन वंदे भारत को हरी झंडी दिखा कर रवाना करने वाले हैं, उसमें अयोध्या आनंद विहार नई दिल्ली से वैष्णो देवी, अमृतसर नई दिल्ली, जालान मुंबई, कोयम्बटूर बेंगलुरु आदि के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। और किन रूटों पर अमृत भारत को भारतीय रेलवे रवाना करने वाली है उसके बारे में अगर बात करें तो अमृत भारत ट्रेन नई दिल्ली दरभंगा और मालदा बेंगलुरु के बीच चलने की संभावना जताई जा रही है। अमृत भारत ट्रेन श्रमिकों और कामगारों को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा आदि राज्यों से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों के बीच 150 से अधिक अमृत भारत ट्रेन चलाने की योजना भारतीय रेलवे ने बनाई है। मांग के अनुसार अमृत भारत में एसी क्लास, सेकंड क्लास और एसी थर्ड क्लास कोच वाली ट्रेन भी चलाई जाएंगी। यह ट्रेन राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस के तर्ज पर अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। पुश पुल तकनीक होने के कारण इसकी औसत रफ्तार राजधानी शताब्दी से अधिक होगी। अमृत भारत ट्रेन का किराया आम मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से 10 से लेकर 15% ज्यादा हो सकता है। दोस्तों फिर एक बार भारतीय रेलवे महा लॉन्चिंग की तैयारी कर चुकी है और इसमें आपको 30 दिसंबर के दिन दो अमृत भारत के लॉन्चिंग के साथ साथ आपको 5 से लेकर 6 चेयर कार वाली वंदे भारत की भी लॉन्चिंग अन्य अन्य रूटों पर भारतीय रेलवे करने जा रही है। फिलहाल जो अमृत भारत का ट्रायल है वो 24 तारीख से भारतीय रेलवे, जो दूसरा रैक आया हुआ है इसका ट्रायल भी भारतीय रेलवे 24 तारीख यानी कि 24 दिसंबर को शुरू कर रही है और इसकी लॉन्चिंग की आशा जताई जा रही है कि 30 दिसंबर को इसकी लॉन्चिंग भारतीय रेलवे कर दे। तो फिलहाल दोस्तों इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।